हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्रिकेट के महाकुंभ में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और टूर्नामेंट को लेकर तमाम दिग्गज अटकलें लगा रहे हैं। टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए उसे खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और मौजूदा टीम के सहायक कोच रिकी पोंटिंग ने भी भारत की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए कहा है कि भारत और इंग्लैंड वनडे विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदार होंगे। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उनकी टीम के पास भी खिताब का बचाव करने का पूरा मौका होगा। इसके अलावा पोंटिंग का मानना है कि निलंबित बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी के बाद 30 मई से इंग्लैंड में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया खिताब बरकरार रख सकता है। उनसे जब पूछा गया कि क्या ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीत सकता है, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल जीत सकता है। मौजूदा फॉर्म को देखें तो भारत और इंग्लैंड अभी सबसे मजबूत टीमें हैं। अगर आप हमारी टीम में वार्नर और स्मिथ को जोड़ लेंगे तो ये भी दूसरी टीमों की तरह मजबूत नजर आएगी। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले 26 वनडे मुकाबले में से सिर्फ 4 जीत पाई है और ऑस्ट्रेलिया को 3 बार विश्व का खिताब दिलाने वाले 44 वर्षीय पोंटिंग ने कहा कि मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस टीम का कोच हूं, बल्कि इंग्लैंड की परिस्थितियां हमारे खिलाड़ियों के अनुकूल होगी और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी प्रबल दावेदार होगा। सो क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।